सभी को नमस्कार। यूएस में क्रिसमस और नए साल और संगठन से जुड़े बहुत सारे काम करने के बाद हमने विश्व में ईशा की गतिविधि से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो कि लगभग अगले 6 महीनों में सामने आएंगे। आपको उनका असर दिखाई देगा। तो मैंने वहां से अबू धाबी और दुबई की यात्रा की और कुछ बहुत जरूरी बैठकों में हिस्सा लिया और साथ ही एक मजेदार गोल्फ का गेम भी खेला। ये एक बहुत ही अनूठी बात है कि दुबई या अमीरात के शासक इतने ज्ञानी हो गए हैं। वो वैसे तो अपनी संस्कृति और परंपराओं को मूल्यवान मानते हैं, पर वो अपने देश को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना चाहते हैं जो हर संस्कृति, हर मान्यता, हर पहचान के लोगों का स्वागत करेगा। ये किसी देश को चलाने का एक बहुत ही उन्नति और ज्ञान से भरा तरीका है। आप अमीरात में इस ज्ञान का एक बहुत बड़ा असर देख सकते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ कुछ बैठकें की और शेख नायान के साथ भी, जो हमेशा बहुत अच्छी मेजबानी करते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो कैसे अपने देश को सभी की बेहतरी के लिए एक सोचे समझे तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। अमीरात से मैं मुंबई आ गया, वहां एक रात रुका और फिर सोमनाथ चला गया। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं देखना चाहता था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर एक विशेष स्थान रहा है। कहा जाता है कि जब अरब में सैटेनिक वर्सेस घटना हुई तो उन्होंने दो दिव्य तत्वों जिनमें वो विश्वास करते थे, उन दो देवियों को सोमनाथ भेज दिया। यही वजह थी कि गजनी इतना लंबा सफर तय करके अफगानिस्तान से यहां आया इस मंदिर को नष्ट करने के लिए। और कहा जाता है कि इसी वजह से ये मंदिर 17 बार तोड़ा गया, पर इसे फिर से 1950 में फिर से बनाया गया, जिसके पीछे सरदार पटेल और देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य मंदिर बनवाया। At the edge of the ocean, ये जमीन की शुरुआत की तरह है और ये मंदिर बहुत सुंदर है। ये सोमनाथ है, ये शिव का उन्माद या उनका नशा है। अपने जीवन में हम जितनी भी चीजें करते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम हाथ में लेना और करना चाहते हैं, अगर आपके कामों को आपकी व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर जाना है, तो आपको एक खास उन्माद या नशे की जरूरत होगी। नशे का मतलब ये नहीं कि आप हर शाम एक गिलास शराब पिएं या हर हफ्ते नशे में धुत हो जाएं। इसका संबंध उन चीजों से नहीं है, बस आपके जीवन के हर पल एक नशे का एहसास होना चाहिए, वरना आपके जीवन में पर्याप्त चिकनाई नहीं होगी। अगर आपको अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद से आगे जाकर काम करने हैं, अगर आपको इस दुनिया में वाकई कुशलता से काम करना है, अपनी पसंद नापसंद से परे जाकर, अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों से परे जाकर, बस दुनिया में रहकर वो सब कुछ करना है जो किया जा सकता है, तो आपको एक खास नशे की जरूरत होगी। और सोमनाथ का यही मतलब है। वो नशे की उस स्थिति में है जहां वो दुनिया में बिना किसी सीमा के पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं। तो सभी को सोमनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये भारत के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे बढ़कर योग विज्ञान में एक सोम सूत्र है जो इस बारे में बताता है कि नशा कैसे किया जाए। नशा किसी बाहरी पदार्थ का नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अपने रसायनों को इतना अच्छे से संभालते हैं कि आप हमेशा आनंद में रहते हैं। मुझे देखिए। और वहां से मैं बेंगलोर गया और करीब 30 सालों के बाद, हाँ मुझे लगता है 30 सालों के बाद, वैसे तो मैं थोड़ी दूरी पर मोटरसाइकिल चलाता रहा हूं, पर 30 सालों में पहली बार मैं बेंगलोर से कोयम्बतूर में योगा सेंटर तक मोटरसाइकिल चलाकर गया। मेरी बेटी राधे ने कभी मेरे साथ सफर नहीं किया है, ये पहली बार है कि मैं उसके साथ पूरा सफर तय करके आया। और मोटरसाइकिल में रुचि रखने वाले हमारे कुछ साधक भी हमारे साथ थे।
वॉलंटियर्स की मदद के बिना ये इस तरह आयोजित नहीं हो पाता। लेकिन 62 साल की उम्र में मैंने लगभग 450 किलोमीटर लंबा सफर तय किया, ये काफी है ना? मेरे पहुंचते ही माटू पोंगल का आयोजन हुआ, जो कि हमारे जीवन के एक अंग जानवरों की मकर संक्रांति होती है। वो जानवर जो इस खेती का हिस्सा रहे हैं, वो गाय बैल जो हमारे लिए काम करते हैं और जिनके बिना हम अपनी धरती जोत नहीं पाते। आज हमारे पास बहुत सी मशीनें हैं, पर फिर भी ये जानवर ही हमारे लिए काम करते हैं और साथ ही जमीन को उपजाऊ भी बनाते हैं। तो ईशा में हमने गाय की 16 देशी नस्लें प्रदर्शित की। वो हमारे ईशा परिवार का एक हिस्सा हैं। ये उनके लिए शानदार दिन था। उनमें से कुछ पर सुंदर तरीके से रंग लगाए गए थे। हमारे ब्रह्मचारियों ने इन जानवरों के शरीरों पर सुंदर कलाकृतियां बनाई और मैंने देखा कि गाय और बैल बहुत खुश थे कि सभी उन पर ध्यान दे रहे हैं। वो भोजन और लोगों का ध्यान दोनों का आनंद ले रहे थे और हमारे ईशा होम स्कूल और संस्कृति बच्चों ने कुछ सुंदर और हास्यपूर्ण छोटे नाटक और कुछ नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां दी। कुल मिलाकर माटू पोंगल शानदार तरीके से आयोजित हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी जगह इतने उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये जबरदस्त था और हम अगले हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कई चीजें होंगी। और सबसे बढ़कर विजी की महासमाधि को 22 साल हो गए और ये मेरे जीवन की 760वीं पूर्णिमा है। मेरे जन्म के बाद 760, ये गोल्फ के खेल की संख्या की तरह है। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन है। 21 जनवरी पर हमसे जुड़ें, यहीं आ जाएं। ये स्त्रियों के लिए इशांग साधना का भी समापन है। फिलहाल देवीकांत कालम चल रहा है। इसका मतलब है ये देवी को नई शक्ति देने के लिए या लोगों पर देवी की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए है। फिलहाल उनकी शक्ति बढ़ रही है, इसलिए मंदिर पिछले 11 दिनों से बंद है और 21 तारीख को हम मंदिर फिर से खोलेंगे। अगर आप देवी को वाकई महसूस करना चाहते हैं तो आपको इस दिन और इसके बाद भी वहां जरूर जाना चाहिए। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि देवी की शक्ति काफी ज्यादा होगी। तो इन 11 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसका उन लोगों पर काफी सकारात्मक असर होगा जो देवी पर केंद्रित हैं, जिन्होंने अपने दिल देवी को अर्पित कर दिए हैं। तो हम यहाँ हैं और मुझे माफ कीजिए, मैं स्पॉट देर से पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं बैंगलोर से कल शाम ही वापस आया और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे स्पॉट अभी करना होगा। तो स्पॉट तैयार है। आप सभी को आशीर्वाद।